नमस्ते, स्वागत है फिर एक एपिसोड में। आज आप हम लोग आप सभी को दिखाने ले जा रहे हैं, जब खत्म हुआ हमारा टूर कलिंगा अशोका जी का पत्थर लिपि के बाद, उसी रास्ते में कुछ ही दूरी में, मतलब 2-3 किलोमीटर की दूरी में, और एक सुंदर सा देवी मंदिर प्रसिद्ध लाभ करते हुए यहाँ के लोगों के बीच में, ये बहुत ही माने हुए देवी हैं। आप कभी भी आ सकते हैं इन मंदिर के, ये वो सीढ़ी हैं जिनको हम नीचे उतरते हुए मंदिर की ओर जा रहे हैं। ये भगवान माता भुइयां देवी के नाम पे इस अंचल में प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर कोई भी आके मन्नत मांगते हैं तो माँ दोनों हाथ से उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो मैं सभी को अनुरोध करूँगा, इस जगह को भी आप लोग आएं और इस पुराने किन हजारों साल का मंदिर को दर्शन करें। मैं अभी आप लोगों को माँ की ओर लेके चल रहा हूँ। आप माता जी की उस सुंदर प्रतिमा को देख के आप जान पाएंगे कि सदियों से माता जी के मंदिर में, ये उड़िया में लिखा हुआ श्री श्री भुइयां अन्नपूर्णा माता जी, अब माता जी की पूर्ण प्रतिमा। ये प्रतिमा इसीलिए ऐसा है कि मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, माता जी कहीं मूर्ति बनाया नहीं गया है, ये खुद पे खुद वहां पर आके बैठे हुए हैं। किन पुराने युग से ये बहुत सारे लोगों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस युग में इनको अन्नपूर्णा भी कहते हैं हम लोग। तो इस भुइयां देवी माता जी की बहुत ही कहावत है, माँ कैसे सबको पूर्ण करते हैं सबका मत, और कैसे उनकी दया से बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी माताजी मंदिर संपूर्ण रूप से बनाया जा रहा है फिर नया तरीके से, क्योंकि ये हजारों सालों का पुराना मंदिर है, इसीलिए लोग इसके बारे में बहुत सारे कहावत है। इस कहावत को जानने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल्स पे लगे रहिए और कंटिन्यूसली आप हमारे वीडियोस देखते रहेंगे, तो एक एपिसोड में पक्का माता जी की विषय में क्या पुराना कहावत है वो सब लेके आएंगे। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स एक बार नीचे में लिख के जय माता दी भुइयां देवी लिख के हमें उत्साहित करते रहिए। तो आगे जाके हम लोग एक फिर वीडियो लेके आएंगे। ये माता जी की वो साइड व्यूज है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अभी सरकार की ओर से भी इसको बढ़िया सा बनाया जा रहा है। आगे जाके आप सभीओं को, मेरे समस्त दर्शकों को मैं अनुरोध करूँगा एक बार यहाँ आए। ये ब्रह्मपुर गंजाम में है, आप ब्रह्मपुर बस स्टैंड से उतर के ठीक 22-25 किलोमीटर की दूरी में ये माता जी की मंदिर है। ये ऐसे एक अद्भुतपूर्ण मंदिर है जहाँ पर आने से आपकी मन्नत पूर्ण होता है। तो मैं आप सभी को अनुरोध करूँगा आपकी मन्नत का, और माता जी की मंदिर में आके माथा टेकें और इस पुराने
मंदिर की दर्शन करें। और उड़ीसा गंजाम डिस्ट्रिक्ट में ये मंदिर को भी डेवलप करने के लिए यहाँ के स्थानीय निवासी लोग बड़ी ही सराहते हैं। जैसे कि रामचंद्र महापात्र, सरस्वती महापात्र, उन्होंने एक घर बना के लोगों को दान दिए होंगे। तो ये और दूसरी ये जो आप देख रहे हैं ये मंदिर की सरकार की तरफ से ये बनाया गया है। ऐसे इस मंदिर की डेवलपमेंट इनकी कमिटी भी है। तो मैं सभी को अनुरोध करूंगा, मंदिर सबका होता है और मंदिर का विकास धर्म का विकास होता है और धर्म का विकास आपका विकास होता है।